कमिंग फ्यूचर में अगर आप कोई कार परचेज करने जा रहे हैं और आपके मन में ये कन्फ्यूजन है कि कौन सी कार परचेज़ की जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके वो सारे कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा जो आपके दिमाग में कार परचेज करने के बारे में चल रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरी गारंटी है कि आपके माइंड में जितने भी कन्फ्यूजन है वो सब दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कार परचेज़ करने से पहले आपको माइंड सेट रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन सी कार परचेज़ करनी है, क्या परचेज़ करनी है, न्यू कार लेनी है या यूज्ड कार लेनी है। आपका माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा तब तक आप कार परचेज करते करने के लिए आप डिले ही होते जाओगे, और डिले होते होते जो पैसा आपने कार परचेज करने के लिए बचा के रखा वो पैसा कहीं और यूज़ हो जाएगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप अपना माइंड सेट कर लीजिए कि आखिर आपको चाहिए क्या। ये सेट होने के बाद आपको अगला पॉइंट जो आता है वो आता है कि आपकी नीड क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। काफ़ी लोग सिर्फ शौक के लिए गाड़ी लेते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है, वो सिर्फ अपना स्टेटस सिंबल दिखाना चाहते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको अपने परिवार के साथ कहीं आना जाना होता है, या अगर किसी शहर में रहते हैं अपने पास में किसी गाँव में आने जाने परिवार के साथ आना जाना होता है तो गाड़ी लेते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी नई नई गाड़ी सीखी है और उनको सिर्फ हाथ साफ करने के लिए कार परचेज़ करनी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि उनको गाड़ी क्यों लेनी है। तो उनकी सबसे पहले आपको अपनी नीड देखनी पड़ेगी कि आखिर आपकी कार परचेज़ करने की नीड क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अभी गाड़ी सीखी है, अभी नई नई ड्राइविंग स्कूल से आपने गाड़ी सीखी है और आप ये चाहते हैं कि मैं एक अपने घर पर गाड़ी लेके आ जाऊँ जिससे चलाने के बाद मैं अपना जो स्टेयरिंग पे जो मेरा जो डर है वो दूर हो जाए और मेरे जो गाड़ी के चलाने का जो हाथ साफ हो जाए। अगर इस पर्पज़ से आप गाड़ी ला रहे हैं तब तो मेरे हिसाब से आपको न्यू कार परचेस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उसके लिए आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोई अच्छी कंडीशन की, वेल कंडीशन की, अच्छी खासी सुंदर गाड़ी आप अपने घर पर लेके आ जाएँ, वो आपके लिए बेनिफिट का सौदा हो सकता है। वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी भी अगर आप न्यू कार लेके आएंगे तो उसमें आपके स्क्रैच वगैरह लगते ही रहेंगे, कोई ना कोई डेंट वेंट या कोई मशीनरी में कोई दिक्कत आती रहेगी। वैसे तो वो गाड़ी वारंटी पर रहती है, लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि वारंटी पे भली वो गाड़ी हो लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। बार बार उसको दिक्कत आएगी और कभी कोई स्क्रैच वगैरह लग गया तो आपके मन में भी डाउट बहुत टेंशन हो जाएगी कि बिल्कुल मैं नई नई गाड़ी लेकर आए और गाड़ी में ये दिक्कत हो गई। तो यहाँ पे आपके लिए यूज कार ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सकती है। अगला पॉइंट आता है गाड़ी का बजट। बिल्कुल, क्योंकि बजट आपका सेट होना बहुत ज़रूरी है। पहले आपको अपने माइंड में ये बजट सेट करना पड़ेगा कि आपका बजट कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लेनी है न्यू कार और आपने सोचा कि मुझे कोई मिड साइज़ की सेडान कार मुझे परचेज करनी है। अगर आप वही मिड साइज़ की सेडान कार आप कम से कम अगर कोई भी मॉडल की ले सकते हैं, जैसे डिज़ायर हो गई, ऑरा हो गई होंडे की, और ऐसी बहुत सी गाड़ी की, जैसी सारी गाड़ियाँ हैं जो आपको पसंद आई है, आप चाहते हैं मेरे पास मिड साइज़ की सेडान कार आ जाए, उसमें अगर आप कोई मॉडल में अगर मिडिल मॉडल भी गाड़ी लेने जाते हो तो कम से कम आपको 8.5 से 9 लाख रुपये की आपको पड़ती है। बिल्कुल 8.5 से 9 लाख रुपये की। और अगर आपका बजट सिर्फ 5 से 5.5 या 6 लाख रुपए तक ही है तब तो वो गाड़ी आप परचेज नहीं कर सकते। ऐसे में आपके लिए सबसे अच्छा जो सौदा साबित हो सकता है वो है आपकी यूज्ड कार। क्योंकि यूज्ड कार में अगर आप 2 से 3 साल पुरानी गाड़ी, हद से मात्र 2 से 3 साल पुरानी गाड़ी, फर्स्ट ओनर गाड़ी और मात्र 15 से 20 हज़ार चली हुई पुरानी गाड़ी भी आपको आराम से 5.5 से 6 लाख में अच्छी कंडीशन की गाड़ी आपको मिल जाएगी, वो भी सेडान में। आप जो मॉडल चाहोगे आपको वो मिल जाएगा। आप होंडा सिटी भी आपको मिल सकती है, आपको डिज़ायर भी मिल सकती है, आपको यहाँ तक कि सियाज भी मिल सकती है। आपको जो मॉडल की आप गाड़ी चाहोगे इस मॉडल में आपको बहुत अच्छी कंडीशन की सेडान कार मिल सकती है। तो आपको पहले अपना बजट डिसाइड करना है कि आपका बजट क्या है। आपको बजट जब तक डिसाइड नहीं होगा तब तक आपका माइंड सेट भी नहीं हो पाएगा और आप गाड़ी भी सही से डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो ये एक बात ये और आ जाती है, यहाँ पे यूज कार आपके लिए बेनिफिट साबित हो सकती है। अब बात आती है कि कार लोन की। कार लोन की अगर बात करें तो न्यू कार में ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि न्यू कार में कार लोन बहुत सस्ते दर ब्याज दर पर उपलब्ध हो जाता है। वहाँ पे 8.5 से 9% पे भी आपको न्यू कार का ब्याज दर पे आपको कार लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यूज कार में जाते हो तो आपको 15 से 16% तक आपको ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ सकता है कार लोन पे। उसका एक्चुअली इसका महंगा होने का एक जेन्युइन रीज़न भी है, और वो रीज़न ये है क्योंकि गाड़ी की जो वैलिडिटी होती है, जो आरसी की जो वैलिडिटी होती है, गाड़ी की जो एज होती है वो नई गाड़ी के मुकाबले कम हो जाती है, और ओनरशिप आरसी पे भी वो भी बढ़ जाती है। पहले वो गाड़ी जिसके पास थी वो फर्स्ट ओनर था, लेकिन जब आप वो गाड़ी परचेज़ करने जाओगे तो वो सेकंड ओनर हो जाएगी या फिर वो थर्ड ओनर हो जाएगी।
तो इसीलिए उस पर ब्याज दर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर आप चाहें तो साल डेढ़ साल चला के उस लोन को फोरक्लोज करवा के अपने कुछ बाकी के साल के ब्याज बचा सकते हैं। तो यहाँ पे भी यूज्ड कार काफ़ी हद तक आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकती है। अब बात करते हैं कि गाड़ी को कहाँ से परचेज़ किया जाए। तो यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कभी भी आप गाड़ी लें, वैसे देखिए मार्केट में तो बहुत सारे डीलर्स हैं, ब्रोकर्स हैं जहाँ से आप कार परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको धोखाधड़ी भी हो सकती है, स्कैम भी हो सकता है, क्योंकि आप तो जानते हैं मार्केट में आजकल कितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, कितने धोखे हो रहे हैं, कितने धोखे केस हो रहे हैं, तो वहाँ पे स्कैम भी हो रहे हैं। तो ऐसे में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर कभी भी आप कार लें तो सर्टिफाइड आउटलेट से ही कार लें। जैसे फॉर एग्जांपल मारुति का ट्रू वैल्यू हो गया, हुंडई का एच प्रॉमिस हो गया, महिंद्रा का फर्स्ट चॉइस हो गया, ये सारे सर्टिफाइड आउटलेट्स ऑल ओवर इंडिया सब जगह अवेलेबल है। जिस स्टेट में भी आप रहते हैं वहाँ पे ये आउटलेट्स 100% होंगे। अगर आपको कार परचेस करनी है तो आप वहाँ से परचेस करिएगा, वहाँ से आपको जेन्युइन कार मिलेगी। मेरा जेन्युइन से मेरा मतलब ये है कि वहाँ पे जो भी गाड़ी आती है वो बिल्कुल एक्सचेंज होकर ही आती है और प्रॉपर कस्टमर्स के सारे डॉक्यूमेंटेशन कम्प्लीट होने के बाद ही वो गाड़ी रिसीव करते हैं। तो आपको गलत गाड़ी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। प्लस आपको वहाँ पे वारंटी भी मिल जाती है साल भर की, और दो से तीन फ्री सर्विस भी आपको वहाँ मिल जाती है। एक साल की वारंटी के साथ करीब करीब साल भर की वारंटी और दो से तीन फ्री सर्विस भी आपको मिल जाती है। तो आपको और वो भी ऑल ओवर इंडिया के लिए वो वैलिड होती है। आप किसी स्टेट से दूसरे स्टेट पे भी जाएंगे अगर वहाँ पे वो आउटलेट अवेलेबल है तो आपको वहाँ भी वो वारंटी का फ़ायदा मिल सकता है। तो वहाँ से गाड़ी लेने का बहुत बड़ा बेनिफिट है। और वो एक बेनिफिट और ये है कि वहाँ पे जो भी गाड़ी वो एक्सचेंज करते हैं वो गाड़ी एकदम तैयार करते हैं, एकदम वेल कंडीशन की गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप सर्टिफाइड आउटलेट से ही कभी भी गाड़ी लें तो सेकंड गाड़ी वहीं से लें। एक बात मैं आपसे और ऐड करना चाहूँगा कि कभी भी आप गाड़ी लें तो अपने किसी जानकार को साथ लेके जाएँ, ऐसे किसी आदमी को लेके जाएँ जिसको गाड़ी के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो। इससे आपको क्या है कि गाड़ी परचेज़ करने में बहुत ईजी बहुत आसानी हो जाएगी और आपको धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी। आपको मन में ये नहीं रहेगा कि मुझे मैंने गाड़ी गलत ले ली, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों इन सब बातों से अगर कंक्लूजन निकाले तो मेरे हिसाब से यही कंक्लूजन निकलता है कि यूज़ कार आपके लिए फ़ायदा का सौदा हो सकता है, बेस्ट सौदा हो सकता है। बाकी डिसीजन आपका है, पैसा आपका है कि आप अपना पैसा कहाँ लगाना चाहते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आने वाली वीडियोज़ में हम बहुत सी ऐसी नई नई जानकारियाँ आपको मैं आपको देता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।